नमस्कार, आप देख रहे हैं जी हिंदुस्तान। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल्य। सुशासन के दावे वाले बिहार में क्या चीरहरण करने वाले दुशासनों का कब्जा हो गया है? यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बिहार के आरा में जो कुछ हुआ उसने शर्म को भी शर्मिंदा कर दिया। एक युवक की मौत के बाद आरा में पास में ही बिहिया में सैकड़ों की भीड़ ने एक महिला को घर से खींचा, उसे निर्वस्त्र किया और बीच बाजार में उसे घंटों घुमाया गया। इस दरमियान सरकार सो रही थी, पुलिस सो रही थी। घृणा को भी घृणा आ जाएगी। जब आप टेलीविजन पर दिख रही इस तस्वीर के सामने से ये पट्टी हट जाएगी। शर्म भी शर्म के पाताल में गड़ जाएगी। अगर इस जलती फिरती तस्वीर से पट्टी हट जाए लेकिन विडंबना देखिए कि इस पट्टी के साथ जीवंत इंसानों को न घृणा है, न शर्म है, न इंसानियत है, न सम्मान की अहमियत पता है। इस पट्टी के पीछे एक महिला है। वो महिला पूरी तरह से निर्वस्त्र है। शहर की गली में निर्वस्त्र महिला की झांकी निकली है। हंगामा और हुल्लड़ है। पूरा शहर इज्जत का तमाशा देख रहा है। मोबाइल कैमरे में कदम कदम पर एक महिला की इज्जत की आत्महत्या को कैद किया जा रहा है और किसी को अफसोस तक नहीं है। यही दुशासनों का सुशासन है। जीता जागता और हर कदम पर सुशासन के निर्वस्त्र होने का साक्षात प्रमाण प्रस्तुत करता हुआ जिसे लोग भीड़ कह रहे हैं, हुजूम कह रहे हैं, बीच सड़क पर एक महिला को निर्वस्त्र कर मजमा लगाने वाली टोली कह रहे हैं, वो भीड़ नहीं बल्कि दुशासनों की ऐसी जमात है जिसमें शामिल एक एक शख्स इंसान की खाल में हैवान है, भेड़िया है। इस भीड़ में शामिल हर एक शख्स दुशासन है और सभ्य समाज के सामने चुल्लू भर पानी में डूब मरने की वजह। बिहार के सुशासन राज में आरा के इस शर्मनाक कांड की एक एक सच्चाई आपको बताएंगे, ये भी समझाएंगे कि आखिर कैसे सरेआम महिला को निर्वस्त्र घुमाने की हिमाकत हुई, चूक हुई किससे? उस बिहार पुलिस से जिस पर सुशासन का राज कायम करने का जिम्मा था, या वो सरकार जिसने जंगल राज खत्म करने की सौगंध खाकर बिहार के लोगों का भरोसा जीता था, या फिर दुशासनों की ये टोली इतनी मनमौजी कैसे हो गई जिसने पूरे बिहार के तंत्र को खुलेआम सरेराह सड़क पर निर्वस्त्र कर दिया। लेकिन उससे पहले दुशासनों की टोली में शामिल इन चेहरों को गौर से देखिए। एक एक चेहरे को पहचान लीजिए। बेशर्मी की पराकाष्ठा है ये तस्वीर।
पीछे एक महिला निर्वस्त्र कर घुमाई जा रही है। ये एक शख्स कैमरे पर आकर अपनी सेल्फी ले रहा है। सुशासन के दूसरे दुशासन को भी आप गौर से पहचान लीजिए। सफेद शर्ट वाला ये शख्स भीड़ तंत्र के बीच लाचार और मजबूर एक महिला की नग्न तस्वीरें अपने कैमरे में उतार रहा है। ये भीड़ तंत्र का भेड़िया नंबर 3 है जो इस जमात को लीड कर रहा है। सफेद शर्ट और जीन्स वाला ये शख्स बीच बीच में हाथ उठाकर नारेबाजी कर रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि ये अपनी बेशर्मी का उद्घोष कर रहा है या फिर उस निकम्मी पुलिस की नाकामी का जयकारा लगा रहा है जो इन्हें यहां न तो रोकने आ रही है न टोकने। ये है सुशासन का दुशासन नंबर 4। और ये दुशासन नंबर 5। लेकिन कितने दुशासनों को आपको गिनवाएं, कितनों को दिखाएं, इनमें से कितनों को पकड़ पाएगी पुलिस और कितनों को सजा दिला पाएगी। पूरे 300 लोगों की जमात थी ये, जिसने सड़क पर एक मां, एक बहन, एक बेटी की इज्जत को तार तार कर दिया। यहां एक महिला को निर्वस्त्र नहीं किया गया बल्कि उस समाज के कपड़े उतार दिए गए जो खुद को सभ्य समाज होने का दावा करता है। उस सुशासन को निर्वस्त्र कर दिया गया जो बिहार में कानून के राज का दावा करता है। आज निर्वस्त्र हुई है पुलिस, जिसकी मौजूदगी लोगों में सुरक्षा का भरोसा जगाती है। इन तस्वीरों को देखकर क्या कहें कि बिहार में जंगल राज है, क्योंकि सरिया में एक महिला को समाज के बीच छिपे बैठे दुशासनों की टोली चीरहरण करती रही और लोग देखते रहे, पुलिस देखती रही, पुलिस तमाशबीन बनी रही। 3 घंटे तक भीड़ तंत्र के आगे कानून बंधक बना रहा। सवाल आखिर सरकार से भी होना चाहिए। एक महिला को निर्वस्त्र कर सड़कों पर उसका जुलूस निकाला गया और लोग वीडियो बनाते रहे। नीतीश जी, ये जंगल राज नहीं तो क्या है? पुलिस की मौजूदगी में आगजनी होती रही, दिन दहाड़े मकान को जला दिया गया और पुलिस खामोश खड़ी देखती रही। बताइए ना नीतीश जी, इसे जंगल राज नहीं तो और क्या कहें? घंटों तक भीड़ अपनी मनमानी करती रही, गाड़ियां फूंकती रही, घरों का ताला तोड़ती रही, घर में घुसकर सामान तोड़ती रही, ये जंगल राज नहीं तो क्या है नीतीश जी? कैसे कहें और क्यों कहें कि बिहार में सुशासन की सरकार है? क्यों माने कि बिहार में बहार है? अगर बहार है तो इन दुशासनों की, जिन्हें न तो आपकी पुलिस का खौफ है और न ही कानून का डर। ये घटना सबको झकझोर गई, ये तस्वीर है और हम दिखाना चाहेंगे आपको। एक और घर की तस्वीर है, ये सारे लोग जो हैं वो कहीं जा चुके हैं। ये भी घर था, भीड़ इस घर में प्रवेश कर गई और यहाँ पर भी भीड़ ने आग लगा दिया। और आप देख सकते हैं कि अभी भी धुआं निकल रहा है इस घर से, भीड़ ने इस घर को आग लगा दिया। और उस महिला से जुड़े जितने भी लोग थे या फिर जो भी सामान थे, सबको बर्बाद करने की भीड़ ने ठान ली। और यही वजह थी कि काफ़ी भाग दौड़ के बाद जो तस्वीरें निकल कर सामने आई वो काफ़ी भयावह थी, वो काफ़ी चौंकाने वाली थी। किसी को उम्मीद नहीं थी, लोगों का ये कहना था कि पुलिस अगर समय पर कार्रवाई करती तो मामला सुधर सकता था।
राजधानी पटना से करीब 60 किलोमीटर दूर ये पूरा बवाल शुरू हुआ 18 वर्षीय बिमलेश कुमार नाम के एक युवक की मौत के बाद। बताया जा रहा है कि बिमलेश सोमवार सुबह कोचिंग के लिए निकला था, लेकिन कुछ देर बाद खबर आई कि उसका शव बिहिया के रेलवे ट्रैक के पास पड़ा है। खबर मिलते ही घर वाले मौके पर पहुंचे, खबर पुलिस को भी मिली, लेकिन पुलिस ने इस मामले में अपना दायरा समेटते हुए मामला जीआरपी के पल्ले में डाल दिया। उधर जीआरपी ने भी मामला पुलिस का बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया। आज इसको 10:30 बजे दिन हमसे बात हुआ था। अच्छा, कंपनी से। अच्छा, तो कोई अकाउंट में मांगा था पीएम, कोई काम था यहाँ से तोड़ के यही तरह जाता है गाँव में। अच्छा, उसका मोबाइल और पैसा कहीं अगर निकाला ले चुकी है। अच्छा, इसके बाद हत्या करके फिर दिया। हत्या करके एक जगह देखने वाले दो सौ लोग दो दिन देखा है। काची से मरले बा लोग, अब हम देखा ले बनी, हम तो मोदरपुर से आवत नहीं, एजा से फोन हमरा गोतिनी कन गोइल है, घरे एगो बहिन रोई के मर गोइल, घरे हम अनिए ने रोत 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 बहिन घरे मर गोइल। जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने की इस नूरा कुश्ती के बीच युवक का शव रेलवे ट्रैक के पास ही पड़ा रहा। लोगों की भीड़ बढ़ रही थी और गुस्सा भी। ये पूछताछ में आ रहा है कि ये बॉडी जो मिली थी करीब करीब 12-1 बजे के बीच में मिली थी, लेकिन मामला संबंधित जीआरपी का था, तो जीआरपी के द्वारा वहाँ पर उचित कार्रवाई नहीं की गई, तो संबंधित थाना को सूचना दी गई, जब थाना स्तर से भी बॉडी का डिस्पोजल वहाँ से नहीं किया गया, जिसके कारण से ये इस तरह की घटना हुई है। इस बीच खबर फैली कि पास के ही रेड लाइट इलाके में युवक के पैसे छीने गए और उसकी गला दबाकर हत्या की गई। इसके बाद भीड़ ने पास के रेड लाइट इलाके पर हमला बोल दिया, जिसे जो दिखा उसमें आग लगा दी। जो घर के अंदर बंद थे उसका दरवाजा तोड़ दिया गया। आसपास की खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी गई। घर में घुसकर पहले सामान तोड़े और फिर एक साथ कई घरों में आग लगा दी। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं, कल तक यहां विमलेश की बॉडी पड़ी हुई थी और यही वो स्पॉट है जहां पर विमलेश की बॉडी थी। ठीक बिहिया स्टेशन से बस थोड़ी ही दूरी पर यहां पर विमलेश की बॉडी पाई गई थी। आप देख सकते हैं कि रेलवे ट्रैक है और उसके बाद यहां पर जब लोगों ने विमलेश की बॉडी को देखा तो लोग काफ़ी आक्रोशित हो गए और सबसे पहले लोगों ने, आक्रोशित भीड़ ने सबसे पहले इस घर को आग के हवाले कर दिया। झोपड़ी जैसा घर है, इसको पहले आग के हवाले कर दिया। उसके बाद उसी भीड़ में से किसी ने ये कहा कि एक महिला को देखा गया विमलेश की बॉडी को, दो तीन लोग ला करके यहाँ पर फेंक रहे थे। हंगामे के बीच पुलिस मौके पर तो पहुंची, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, मामला आउट ऑफ कंट्रोल जा चुका था। इस बीच भीड़ इस मकान से उस महिला को बाहर खींच कर लाई जिस पर युवक की हत्या का आरोप लगा था। उस महिला को तलाशती हुई भीड़ इस तरफ बढ़ चली और वो महिला जिसे निर्वस्त्र कर पीटा गया, वो महिला इसी घर में रहती थी। आपको हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ है हलचल गुड़िया द ग्रेट थिएटर, यानी थिएटर चलाती थी वो महिला और इसी घर में वो रहती थी। जिसके बाद जो भीड़ को आशंका हुई कि कहीं ना कहीं डेड बॉडी जो है इसी घर से निकली है, और यही वजह रही कि उसके बाद भीड़ काफ़ी आक्रोशित हो गई और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मोटरसाइकिल रखी हुई थी, उसे आग के हवाले कर दिया गया। इतना ही नहीं, घर को आग के हवाले कर दिया गया। काफ़ी अफरा तफरी की स्थिति हुई। उसके बाद भीड़ इतने पर भी नहीं मानी, उस महिला को घसीट कर लाया गया और उस महिला को सड़कों पर ले जाया गया, जिसके बाद काफ़ी हंगामा मचा। इंसानी भेड़ियों की इस भीड़ ने पहले महिला को निर्वस्त्र किया, उसके बाद उसकी पिटाई की, फिर उसे उसी हालात में बिहिया के बाजार में करीब 1 घंटे तक घुमाया गया। मर्डर जहाँ हुआ है वो स्पॉट मेरे से कम 50 कदम दूर है। वो मेरे घर 50 कदम अंदर, वो लोग देखे कि एक महिला है, उसको लखे दे एक बार में नहीं पकड़ी, दूसरी बार में पकड़ के उसको बाजार तक मारते पीटते लेके गए, नंगा करके मारे पीटे। अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जैसा कि SP साहब ने बताया कि इसमें 3 केस दर्ज हुए हैं। एक है कि जो जिस लड़के की हत्या हुई है, दूसरा जो महिला के साथ जो ये घटना घटी, और तीसरा जो पुलिस पर जो पत्थरबाजी हुई। तीनों केसेस में अलग अलग अभियुक्त बनाए गए हैं, कुछ में कॉमन अभियुक्त भी हैं। अननोन लोगों पर भी कार्रवाई की जा रही है। वीडियो फुटेज के आधार पर हम लोग अन्य लोगों को भी पहचान कर लेंगे। करीब 300 भेड़ियों की इस भीड़ में पुलिस ने अब तक 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन बिहार की विडंबना देखिए, शर्म को भी शर्मिंदा कर देने वाले इस घटना पर भी राजनीति शुरू हो गई। RJD नेता तेजस्वी यादव ने इस मामले पर CM नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की है, तो अब खुद उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ता सवालों के घेरे में है। किसको दिए थे? हम जन अधिकार पार्टी को, तेज नारायण सिंह प्रत्याशी थे, मेरा घरेलू संबंध था
मैं एक बार वोट दिए। आरजेडी से है ना संबंध? नहीं, संबंध मेरा नहीं है, आरजेडी से कुछ भी संबंध नहीं है। आरजेडी से जुड़े हुए कार्यकर्ता आप लोग के घर में? नहीं, हमारा घर में कोई नहीं है, आप देख लीजिए कोई भी सदस्य मेरा घर में। नारा किन के आदेश पे लगा रहे हैं? नारा जिंदा नारदा में नारा लगा रहे थे, सब लड़के लगा रहे थे। कोई नहीं, आप आगे आ गए थे, आप तो आगे नहीं। आरजेडी से जुड़ा हुआ है, आप लोगों की सेवा कर? हाँ ना, हाई है किशोर यादव, मैं जानता हूँ, मेरे पंचायत के हैं, मेरे पंचायत के बगल के गांव के हैं। आप लोगों के साथ सक्रिय रहे हैं? रहे हैं सक्रिय। सवाल उस पुलिस पर भी उठ रहे हैं जिसकी लेट लतीफी बिहार के सुशासन के दावों पर भारी पड़ गई। दुशासनों की टोली एक महिला की इज्जत को तार तार करती रही, शहर जलता रहा और पुलिस ये मानकर निश्चिंत सोती रही कि मामला उसके इलाके में हुआ ही नहीं, हम क्यों जागें। इस घटना में हमारी पुलिस की तरफ से भी जो लापरवाही बरती गई और जो असंवेदनहीनता दिखाई गई, उसके आरोप में 8 पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है, जिसके अंदर बीजा के थाना प्रभारी भी हैं और जो रेल जीआरपी के जो थाना प्रभारी हैं वह भी सम्मिलित हैं। जिस युवक की मौत हुई इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तस्दीक कर रही है कि उसकी हत्या की गई है। बिहार के सुशासन में दुशासन कांड पर किस तरह से राजनीति हो रही है वो भी आपको दिखाते हैं। जांच नहीं, आरजेडी यदि आरजेडी समर्थक यदि इस तरह के घटना नहीं, आरजेडी के लोग का ऐसा चरित्र नहीं है और मूव में कौन पार्टी का कौन है ये कोई नहीं जानता है, लेकिन जो भी हुआ है शर्मनाक घटना घटी है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। ऐसी आशंकाएं पूर्व में भी कई घटनाओं में रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि अभी किया जाना संभव नहीं है। वहां जिस तरीके की उन्होंने धृष्टता की वो जगजाहिर है, इसलिए इसमें कहीं दो रहने की ऐसी इस तरह के घटनाओं में उनका हाथ भी हो सकता है। बिना समय गंवाए बिहार में राष्ट्रपति शासन आप कीजिए, नीतीश कुमार को बाहर का रास्ता दिखलाइए, तब बिहार के औरतों का, बिहार के सिलुकास्ट का, बिहार के बच्चों का यास्मत बचने वाली है। मैं तो कहूंगी न पुलिस पदाधिकारी इनके अंडर में है, न वो लोग इनसे डरते हैं जो इस तरह की हकीकत, इस तरह के काम को अंजाम दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का समय आ गया है कि ये जागे।